सो हेलो वालों, मैं अमित, आप लोग देख रहे हैं इंडिकेमेंट टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बस बहुत सिंपल ही बात में बताने वाला हूँ कि आप अपने माइनक्राफ्ट में मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हो। उसको खेलने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भाई मल्टीप्लेयर अभी ऑन नहीं है, यानी कि मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ भी नहीं खेल सकता और यहाँ पर मैं किसी भी सर्वर में ज्वाइन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ है। बट भाई यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले तो सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है जनरल का। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जनरल का ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ, आपको भी ढूंढ लेना है। सो यहाँ पर जनरल का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर ही है, सो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर लिखा है ऑन विथ वाईफाई ओनली, से ऑन विथ वाईफाई ओनली एंड डाटा, इसको ऑन कर देना। ये दोनों ऑन करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर गेम को फिर से रिस्टार्ट कर लेना है। सो मैं गेम को फटाफट से रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद आपको फिर से सेटिंग में जाना है। फिर से सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको जनरल का ऑप्शन ढूंढ लेना है। सो यहाँ पर जनरल का ऑप्शन ढूंढने के बाद अभी यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा अलाउ मोबाइल डाटा फॉर ऑनलाइन प्ले, इसको आपको ऑन कर लेना है। ये ऑन करने के बाद अब आपका सारा कुछ सिंपल डन हो चुका है। अभी आप जैसे ही माइनक्राफ्ट सर्वर में जाओगे या फिर अपने किसी फ्रेंड को ऐड करोगे, वो आसानी से ऐड हो जाएगा और आप उसके साथ मतलब आसानी से बिना वाईफाई के अपने मोबाइल डाटा से खेल सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। लव यू ऑल।